ऐसी मिस्टिकल पिक्चर्स जिनका अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं लगाया जा सका कि रियल में ये क्या है, इनके पीछे का रहस्य क्या है। ऐसी वर्ल्ड में बहुत सारी पिक्चर्स हैं जिनका आज तक कोई एग्जैक्ट पता नहीं लगाया जा सका। तो चलिए इस वीडियो में हम वर्ल्ड की टॉप 5 मिस्टिकल पिक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसका टाइटल है वर्ल्ड्स टॉप 5 मिस्टिकल पिक्चर्स। तो पिक्चर नंबर 1, द ब्लू मार्वल। अर्थ यानी कि पृथ्वी की एक ऐसी पिक्चर जिसे ब्लू मार्वल कहा जाता है। इसे 29,000 किलोमीटर की दूरी से 7 दिसंबर 1972 को खींचा गया था, जब मून के रास्ते में अर्थ को इस तरीके से देखा गया, यानी कि ब्लू मार्वल के तौर पर देखा गया। तब अपोलो 70 स्पेसक्राफ्ट के क्रू मेंबर ने इस अमेजिंग व्यू को एक पिक्चर में कैद कर लिया और ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिप्रोड्यूस होने वाली पिक्चरों में से एक बन गई। इस पिक्चर में अर्थ के मेडिटेरियन सी से अंटार्कटिका तक साफ साफ देखा जा सकता है। पिक्चर नंबर 2, हैरिस बर्डिक। अमेरिकी ऑथर क्रिस वॉन अल्सबर्ग, जिन्होंने यह 1984 में एक बुक लिखी जिसका नाम था हैरिस बर्डिक, और इस बुक का जो कवर पेज था उसे दुनिया का सबसे मिस्टराइज बुक कवर माना जाता है, जो स्पष्ट तौर पर हॉरिस बर्डिक द्वारा बनाई गई थी। एक व्यक्ति जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, सभी इमेजेस के साथ एक टाइटल और लाइन ऑफ टेक्स्ट यानी कि पाठ की एक पंक्ति के साथ, जो पढ़ने वाले इंसान को अपनी कहानी बनाने के लिए इंकरेज करती है। ये जो बुक है वो अब पोर्टफोलियो वर्जन में भी अवेलेबल है, जिसमें मिसिंग इन बैनिस कहानी से एक इमेज शामिल है। 2011 में द क्रॉनिकल्स ऑफ हैरिस बर्डिक 14 अमेजिंग ऑर्थल टेल द टेल्स के नाम से ये बुक पब्लिश हुई थी, जिसमें स्टीफन किंग और लुई सच्चर सहित हाई प्रोफाइल राइटर्स की कहानियों की विशेषता थी, जो ओरिजिनली द सीक्रेट ऑफ हैरिस बर्डिक में इल्यूशन से इंस्पायर थे। हाउ अमेजिंग। पिक्चर नंबर 3, सोलवे फिर्थ स्पेसमैन। जिम टेम्पलेंटन ने 2011 में अपनी डेथ के टाइम पे बीबीसी के एक इंटरव्यू में याद करते हुए कहा था कि हम एक जनरल ट्रिप पर गए थे, वहां पर जाकर एक प्लेस को सिलेक्ट किया और वहां पर जाकर हम लोग बैठ गए, जहां पर मैंने अपनी डॉटर से कहा कि मुझे तुम्हारी एक पिक्चर क्लिक करनी है, जो कि आज के टाइम में मिस्टिकल पिक्चरों में से एक है। जिम टेम्पलेंटन दुनिया भर की मीडिया को बताना चाहते थे कि उनकी बेटी एलिजाबेथ के पीछे दिखाई गई मिस्टीरियस शैडो पर कई लोगों ने अलग अलग ओपिनियन दिए। उन लोगों का मानना था कि उस पिक्चर के पीछे जो परछाई थी, उसमें एक सफेद सूट में एक हेलमेट में मिस्टर टेम्पलेटन ने एक एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री की पिक्चर क्लिक की है। जब टेम्पलेटन ने बताते हुए कहा था कि जब उन्होंने ये फोटोग्राफ लिया था, यानी कि जब इसका इन्वेंशन हुआ था, तब से एंजल्स स्पिरिट्स जैसी पिक्चर्स उनके सामने आती रही। इस पिक्चर से सोलवे स्पेसमैन क्या समझा सकते हैं, ये केवल एक धोखा ही हो सकता है, इसलिए ये आज भी एक मिस्टिकल पिक्चर्स में से एक है। पिक्चर नंबर 4, अफगान गर्ल। एक ऐसी अफगान लड़की जिसका नाम दुनिया भर की मिस्टिकल पिक्चर्स में शुमार है। दरअसल ये पिक्चर 1984 की एक फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट है, जिसे कि रिपोर्टर स्टीव मैकरी द्वारा खींचा गया था। ये जो फोटो था वो जून 1985 को नेशनल जियोग्राफिक के कवर पेज पर दिखाई गई थी। इस पिक्चर में लाल स्कार्फ पहने हरी आंखों वाली यंग लेडी, जो कि कैमरे की तरफ काफी सीरियस तरीके से देख रही थी। इस पिक्चर को लियोनार्डो द विंची की पेंटिंग मोनालिसा से भी कंपेयर किया गया है। तब से ही इसे फर्स्ट वर्ल्ड की थर्ड वर्ल्ड मोनालिसा भी कहा जाने लगा। लेकिन 2002 के लास्ट में इस फोटो को सर्वदकुल के तौर पर आइडेंटिफिकेशन किया गया था, जिसका जो बर्थ था वो 1972 के पास बताया गया था। तारा कैली को। तारा ले कैली को, जो एक अमेरिकी लेडी हैं जिनका बर्थ ऑफ डेट 28 फरवरी 1969 है, जो 20 सितंबर 1998 को बेलन न्यू मैक्सिको में अपने घर के पास से अचानक गायब हो जाती हैं। बताया जाता है कि उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया था। जब जुलाई 1988 में फोर्ट सैंड, जो कि फ्लोरिडा में एक कन्वीनियंस स्पॉट पार्किंग में पाए जाने वाले एक अनजान लेडी और एक लड़के की पोलराइड पिक्चर मिलती जुलती दिखाई देती है, लेकिन जब जुलाई 1988 में पोर्ट सैंड, जो कि फ्लोरिडा में एक कन्वीनियंस स्टोर पार्किंग में पाए जाने वाली एक अनजान लेडी और एक लड़की की एक पोलराइड पिक्चर मिलती है, और ये जो पिक्चर थी वो तारा कैलिको से मिलती जुलती थी, और उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स ने भी इस चीज को माना कि ये पिक्चर उनकी फ्रेंड और उनकी फैमिली मेंबर की है, और उनके माँ से भी कॉन्टेक्ट किया गया। उनकी फैमिली ने तुरंत इन्वेस्टिगेटर से मुलाकात की और पोलराइड की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा। उनका मानना था कि ये उनकी बेटी थी और उनके पैर पर जो निशान था वो कैलिको के समान ही था, यानी कि इस पिक्चर में जो लड़की थी उसके पैर पर जो निशान था वही सेम निशान कैलिको के पैर पर भी था। जब स्टॉकलेट यार्ड ने इस पिक्चर का एनालाइज किया और इसका कंक्लूजन ये निकाला कि ये पिक्चर लेडी कैलिको का ही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी द्वारा किए गए एक दूसरे एनालाइज ने इस स्टेटमेंट को डिसएग्रीमेंट करते हुए कहा था कि इस पिक्चर का एमबीआई एनालाइज इंक्लूसिव था, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है।
जिससे कि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो लेडी कहाँ गई और वो पिक्चर किसकी थी। हाउ अमेजिंग। सो आपने अभी जो 5 पिक्चर के बारे में जाना है वो दुनिया की ऐसी 5 पिक्चर्स हैं जो कि मिस्टिकल्स हैं, जिनके बारे में अभी तक किसी को कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस।